हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बना रही हूँ गाइज मिर्च का चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइज मैं अचार इस तरीके से नए तरीके से बना रही हूँ, आप पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। जो मैंने ये मिर्च ली है इसको मैंने धोकर 2 दिन पानी से धोने के बाद इसको धूप में सुखा लिया था। ऑलरेडी मैंने इसको 2 दिन सुखाया है और 2 दिन सुखाने के बाद इसको आप अचार इस तरीके से बनाएंगे गाइज, तो आपका सालों साल खराब नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बच्चों के लिए बहुत पसंद आता है। और इसको आप टिफिन में लंच लगाते हैं तो आप भी आप उसमें लंच में रखिएगा, तो गाइज ट्राई जरूर कीजिएगा। तो गाइज मैंने ये वाली मिर्च ले ली है जो अचार वाली मिर्च आती है। तो गाइज अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये मिर्च को मैंने लिया है तो इसकी डंडियों को निकाल देंगे इस तरीके से, ये डंडी जो है मिर्च की, तो ये डंडी को निकाल देंगे इस तरीके से। गैस सारे मिर्च की जो डंडी है तो इनको इस तरीके से जो डंडियां हैं ये सब निकाल लेंगे और मिलते हैं। अंदर का बीजा नहीं निकालना है गैस, केवल डंडी निकालनी है। तो गैस मिर्च की जो डंडी थी उनको निकाल दिया है और ये मिर्च को अलग कर लिया, डंडियों को फेंक देंगे, इसमें मिक्स नहीं करना है। और ये इसके बाद ये जो है मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सर में ग्राइंड करने से पहले क्या करेंगे गाइस, मसाले उसमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। पहले मसाले ग्राइंड कर लेंगे ताकि जब ये मिर्च को ग्राइंड करेंगे तो मिक्सी जो है गीली हो जाएगी। तो पहले मसाले को पहले भून लेंगे और भूनने के बाद उसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गैस की तरफ, गैस को ऑन करेंगे और इस पर नॉन स्टिक तवा रख देंगे। तवा गर्म हो चुका है, मैंने लिया 1 कटोरी धनिया, एक छोटा कटोरी, 100 सौंफ और धनिया को अच्छे से भून लेंगे। ऑयल नहीं डालना है, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। 1 कटोरी राई ली है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, इसको भी भून लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, मसाले को गैस अच्छे से भून लिया है, अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मैंने लिए गैस 2 गांठी लहसुन को छील लिया है और छीलने के बाद इसको सुखा लिए हैं। इसको भी लहसुन को भी धूप में सुखा लेना है, तो लहसुन को गैस मैंने धूप में सुखा लिया है, तो लहसुन को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गैस मिक्सी में सबसे पहले मसाले ग्राइंड करेंगे, फिर बाद में लहसुन को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और फिर इसको लाल मिर्च जो मैंने तोड़ कर रखी है उसके लिए मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। खटाई गैस मैंने भिगो दी थी तो खटाई को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सो गैस मिक्सी में मैंने लाल मिर्च जो मैंने अभी कटिंग करी थी वो इस तरीके से, पानी नहीं डाला है, बगैर पानी की मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके एक साथ डालते रहेंगे तो वो मिक्सी में पिस जाती है। ऑलरेडी मिर्च इस तरीके से पिस के तैयार हो गई है। और ये मैंने बनाया है लहसुन का पेस्ट, सारी लहसुन जो थी उसको मैंने सुखा लिया था धूप में, अब ये परफेक्ट अच्छे से पिस जाती है। इसको भी आप आसानी से पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लहसुन का पेस्ट पीसने में। और मैंने खटाई जो मैंने भिगोई थी वो भी मिक्सी में ग्राइंड कर ली है इस तरीके से, ये भी परफेक्ट खटाई पिस गई है। और जो मैंने मसाले सबसे पहले जो भुने थे तो वो मैंने मसाले भी इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिए। तब चलते हैं गैस गैस की तरह बनाएंगे मिर्च का अचार चटनी वाला। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई गैस नहीं लेनी है, मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे गैस 1 चमचा ऑयल कड़वा, गरम करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पे करना है। ऑयल गैस गर्म हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तेल गैस ठंडा हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सबसे पहले अदरक का पेस्ट, इसको भून लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया है मैंने, गैस को ऑन कर लेंगे और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। जो गैस को गैस मैंने ऑन कर रखा है अभी, लहसुन को गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे। लहसुन गैस गुलाबी हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है,
अभी आप देख सकते हैं कि लहसुन अच्छे से खूब गुलाबी हो गया है, और इसको परपट चलाते रहना है ताकि ये जले ना लहसुन। अब जो मैंने खटाई को मिक्सी में ग्राइंड किया है, अब इसको खटाई को डाल देंगे। आप चाहें तो पिसी हुई खटाई भी ले सकते हैं। तो ये गाइस देख सकते हैं पिसी हुई खटाई है, इसमें डाल देंगे। सो गाइस गैस को ऑफ कर दिया है, और मैंने ये खटाई जो मैंने पीसी थी तो चूंकि गीली थी इसलिए इसको मैंने इसको गरम तेल में डाल दिया है, और इसका पानी भी सूख गया है। अब गाइस ये ठंडा हो गया है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें डाल देंगे मिर्च जो मिक्सी में ग्राइंड करी थी, इसमें डालेंगे गाइस लाल मिर्च जो मैंने डाल दी है अचार वाली। अब जो मसाला मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था ये मसाले डाल देंगे। पांच टीस्पून मैंने डाल दिए हैं मसाले, स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी गाइस बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। तो स्वाद अनुसार नमक हो गया है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्च तो है इसमें, तो थोड़ी सी मिर्च डालनी है, आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, वन टीस्पून आमचूर पाउडर। अब इसको चलाएंगे। गैस को ऑन करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च में गाइस थोड़ा सा पानी रहता है, तो हल्का सा पानी तो होता ही, मिर्च में पानी तो ऐसा नहीं था, और इस तरीके से हल्का सा जो पानी होगा वो भी सूख जाएगा। तो गाइस आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और आपका मिर्च का अचार ये परफेक्ट इस तरीके से डालिएगा, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है गाइस। इसको आप दाल से खाइएगा या सब्जी से, पूरी से खाइएगा, पूरी से बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको जब तक भुनना है गाइस, जब तक कि इसके तेल की चिपचिपी आ जाती है ऊपर के लिए, तब तक ये अच्छे से जब तक ये भुन ना जाए तब तक इसको चलाएंगे। सो गाइस ये अच्छे से भून गया है, और ये आप देख सकते हैं कि तेल की चिट्टी मसाला जिस तरीके से भूनते हैं उसी तरीके से इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे। सो गाइस ये रहा मिर्च का चटपटा अचार, जो आप चाहें तो आप भरमा मिर्च जैसे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने बनाया है मिर्च की चटनी जैसा बिल्कुल अचार। तो ये परफेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस बच्चों को भी बहुत पसंद था, आप चाहें तो लंच में भी रख सकते हैं। तो गाइस आपको अचार की ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी, तो ये अगर अच्छी लगी हो तो चटपटा अचार जो है तो मुँह में तो पानी आ रहा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो इसको पूरी से खाइएगा, या आप दाल से भी बहुत टेस्टी लगता है, और इस तरीके से आप बच्चों के लंच लगाते हैं तो उसमें पूरी के साथ अचार से रख सकते हैं। तो आप और इसको गाइस जब ठंडा हो जाए तो आप स्टोर करके कांच के कंटेनर में रख सकते हैं, और इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, जैसे भी रख सकते हैं, तो आपका ये ख़राब नहीं होगा, महीनों ख़राब नहीं होगा, बल्कि चूँकि सालों ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप बनाइएगा, और मेरे कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी,
कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद कंटेनर में रख देंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। Thank you.